71 साल की हुई बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान 13 साल की उम्र में रचाई थी शादी। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान आज अपना 71वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर सरोज को बॉलीवुड से ढेर सारी बधाई मिल रही है। बहुत कम ही लोगों को पता है कि सरोज खान का असली नाम निर्मला नागपाल है। जी हाँ, निर्मला उनका असली नाम है। सरोज ने महज 3 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली फिल्म नजराना थी, जिसमें उन्होंने श्यामा नाम की बच्ची का किरदार निभाया था। 50 के दशक में सरोज ने बैकग्राउंड डांसर काम करना शुरू किया था। उन्होंने कोरियोग्राफर बी सोहन लाल बिसहानलाल के साथ ट्रेनिंग ली थी। 1974 में रिलीज हुई फिल्म गीता मेरा नाम से सरोज एक स्वतंत्र कोरियोग्राफर की तरह जुड़ी, हालांकि उनके काम को काफी समय बाद पहचान मिली। सरोज खान ने करीब 2000 से ज्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया है। सरोज खान अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी खूब चर्चा में रही। उन्होंने अपने पहले मास्टर बी सोहन लाल बिसहानलाल से शादी की थी। दोनों की उम्र में 30 साल का फासला था। शादी के वक्त सरोज की उम्र 13 साल थी। इस्लाम धर्म कबूल कर उन्होंने 43 साल के बी सोहन लाल से शादी की थी। सोहन लाल बिसहानलाल की ये दूसरी शादी थी। सरोज खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं उन दिनों स्कूल में पढ़ती थी, तभी एक दिन मेरे डांस मास्टर सोहन लाल ने गले में काला धागा बांध दिया था और मेरे शादी हो गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरोज खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। उस वक्त मुझसे कई लोगों ने पूछा कि मुझ पर कोई दबाव तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे इस्लाम धर्म से प्रेरणा मिलती है। सरोज से शादी के वक्त सोहन लाल ने अपनी पहली शादी की बात नहीं बताई थी। 1963 में सरोज खान के बेटे राजू खान का जन्म हुआ, तब उन्हें सोहन लाल की शादीशुदा जिंदगी के बारे में पता चला। 1965 में सरोज ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन 8 महीने बाद ही मौत हो गई। बच्चों के जन्म के बाद सोहन लाल ने उन्हें अपना नाम देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच दूरियां आ गईं। सरोज ने दोनों बच्चों की परवरिश अकेले ही की है। सरोज गाने के डांस की बात, माधुरी दीक्षित के कई गानों को सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया है। इसमें साल 1988 में आई फिल्म तेजाब का गाना 1, 2, 3, 4 काफी फेमस हुआ था।